धूल झोंक रहे हैं, हिंदुस्तान के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, इसके आंख में धूल झोंकने का प्रयास एक बार सिकंदर ने भी किया था, मुंह खा करके वापस गया था। आप भी कामयाब नहीं होने वाले हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये बार बार क्या करते हैं, अपने कारनामों को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को ढकने के लिए हमारी महान बहादुर भारतीय सेना का नाम लेते हैं। अभी आप में से कई सारे लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, एक बहन है हमारी सीआरपीएफ में काम करती है बेचारी, और उसके मुंह से यह कहा गया कि मैं कन्हैया के सीने में तिरंगा झंडा गाड़ना चाहता हूं। कोई जाए और कन्हैया के सीने में तिरंगा झंडा गाड़ दे, मेरे सीने पे अगर इस देश की आन बान शान तिरंगा अगर गाड़ा जाएगा तो इससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है, मैं खुशी खुशी इसको स्वीकार करूंगा। लेकिन बहन ये बताओ, मैं तुमको तुम्हारे इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं, ना मुझे तुमसे कोई शिकवा है ना शिकायत है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको तुम्हारी सेवा के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन तुम जिस युग में रहती हो, ये युग सूचना का युग है, कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन का यह टाइम है। दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा है। अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचा होता तो तुमको पता होता मेरी बहन कि जिस सीआरपीएफ में तुम काम करते हो उसी सीआरपीएफ में काम करते हुए मेरा एक भाई वीरगति को प्राप्त हुआ था, उसको शहादत हुई थी। तुम हमारे खिलाफ नहीं बोलती, तुम हमारे साथ आकर के खड़ा होती। तुम सिर्फ हमारे साथ आकर के नहीं खड़ा होती, तुम तेज बहादुर यादव के साथ भी जाकर के खड़ा होती, जिसने कहा कि हमको अच्छा खाना नहीं मिलता है, और यह बात बोलने के चलते उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये इस देश की हकीकत बनती जा रही है कि जो लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल बताते हैं उसको नोबेल मिल जाता है, जिस चैनल को एंटी नेशनल बताते हैं, जिस पत्रकार को एंटी नेशनल बनाते हैं उसको मैग्सेसे पुरस्कार मिल जाता है। सच की बात को, सच की आवाज को कोई नहीं छुपा सकता है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, लोगों के हाथ में आप तिरंगा के नाम पर जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति है उसको जो आप खराब करने की कोशिश कर लें, ये कोशिश में आप कामयाब नहीं होने वाले हैं। हमको मालूम है कि आपके पक्ष में चीजें चली गई हैं। पक्ष में चीजें कैसे चली गई हैं, तो आपको जो आज सत्ता करने का मौका मिला है उसमें सिर्फ आपकी काबिलियत नहीं है, उसमें विपक्ष का नकारापन भी शामिल है। अगर विपक्ष का नकारापन नहीं होता, अगर विपक्ष ने ऐतिहासिक गलतियां नहीं की होती, तो आज आपको सत्ता पर काबिज होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन याद रखिएगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डरा सकते हैं, जो लोग राजनीति में भ्रष्टाचार करके पैसा जमा कर लिए हैं उनको आप ईडी से धमका सकते हैं, उनके घर पे आप सीबीआई भेज सकते हैं। लेकिन हम तो कबीर को मानने वाले लोग हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। हम ईडी से नहीं डरने वाले हैं गुरुजी, हम सीबीआई से नहीं डरने वाले हैं, हम आपके फर्जी मुकदमों से नहीं डरने वाले हैं। और इस देश का जो नौजवान है वह सवाल पूछेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप जितना भी नफरत का नशा चढ़ा लीजिए, नशा कैसा भी हो अगली सुबह उतर जाता है। वो सुबह आएगी और इसी देश के नौजवान आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे अभी पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के लोगों का जो पैसा लूट लिया गया, आज ही एक दुखद खबर आई कि उसमें एक खाता धारक जिसका 80 लाख रुपया जमा था उसकी मौत हो गई। वो जो खाता धारक हैं, जो बार बार आज आकर के कैमरे के सामने कह रहे हैं
कि मोदी जी हम आप ही को वोट दिए थे, हमारा पैसा वापस करा दीजिए। ये आवाज सिर्फ एक जगह से नहीं, हर गांव से हर घर से निकलने वाली, इस बात के लिए आप तैयार रहिए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी प्रचार आप कर लीजिए, करोड़ों अरबों रुपया आप बर्बाद कर लीजिए, लेकिन आपका सच सामने आएगा। एक मजेदार चीज आपने देखा है, मोदी जी के प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, ये बताने के लिए कि मोदी जी गरीब थे। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि मोदी जी गरीब थे। ऐ देश के गरीबों, मोदी जी गरीब थे, तुम गरीब हो, और वो तुम्हारे पैसे से ही तुमको बता रहे हैं कि वो गरीब थे। इस दुष्प्रचार का शिकार मत बने, सच से सवाल कीजिए। मोदी जी अगर गरीब थे तो गरीबों के प्रति उनको यदि संभाव संवेदना है, अगर वो चाय बेचते थे, यदि उनकी मां मजदूरन थी, तो आज जो मजदूर हैं, आज जो चाय बेचने वाले हैं, आज जो देश के गरीब हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकारी स्कूल कॉलेज के बजट को खत्म कर देते हैं तो किसका बच्चा नहीं पढ़ता है? अमीर का बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है कि गरीब को बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है? जब आप रेलवे बेच दीजिएगा तो किसको इधर से उधर जाने में दिक्कत होगी? अमीर को दिक्कत होगी कि गरीब को दिक्कत होगी? गरीब को दिक्कत होगी ना। तो मोदी जी जब आप गरीब थे तो जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, यही हमारा सवाल है, यही हमारा प्रश्न है। करोड़ों रुपया प्रचार में खर्च करते हैं, जिधर देखिए उधर तमाशा। बाहर जाएंगे तब तमाशा, देश लौट करके आएंगे तब तमाशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नहीं चला रहे हैं, तमाशबिनों की टोली बना करके चले हैं। भाई बजाओ ताली, तमाशा चल रहा है। अरे एक काम तो गिनाइए साहब, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका विरोध नहीं करूंगा। मैं आप कहें तो मैं आपको एफिडेविट बना करके दे देता हूं कि जो बात आप बोलते थे उसमें से आप कुछ बात तो लागू कर दीजिए। मोदी जी के पुराने भाषण को सुनिएगा, मोदी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो रुपया कभी नीचे नहीं जाता। मन करता था कि बाप रे बाप, याद में कब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री हो गए हैं, रुपया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण देते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूंगा। आए भी, आधार योजना लाए भी, और मरे भी नहीं है, एकदम जीता जागता खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी सबसे खराब योजना है, इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए। अब सरकार में है, प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी लागू के कर दिए हैं, और उनको के आती है और कहती है कि कॉरपोरेट टैक्स लगाने से देश को फायदा होगा, इसीलिए हमने कॉरपोरेट टैक्स लगाया है। और जब मंदी आती है तो चुपचाप जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चुपचाप कॉरपोरेट टैक्स को घटा देते हैं, देश को पता नहीं चलता है। अरे अपनी बात पे तो टिके रहते। एक कहावत बार बार कही जा रही है, बार बार एक बात कही कहावत कही जाती थी कि झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोरे की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमको बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो और जिसमें ये टिके हुए हो। और मजेदार बात ये है कि मोहन भागवत अपने भाषण में गौतम बुद्ध को याद कर रहे थे, गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को याद करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनको बुद्धिज्म में बड़ा भरोसा है। प्रधानमंत्री भी बाहर गए तो कहा कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, देश में आए कहे घर में घुस के मारेंगे। बताइए, सुनते हैं कि नहीं, ये भाषा सुनते हैं कि नहीं?
घर में घुस के मारेंगे। अरे घर में घुस के मारेंगे, इसका बुद्ध से क्या लेना देना है? जो दिन रात युद्ध की बात करता हो उसको बुद्ध कहां से समझ में आएगा? बुद्ध तो कहते थे सत्य और अहिंसा की बात, ये तो करते हैं झूठ और हिंसा की बात, बताइए इनको बुद्ध से क्या लेना देना है? और बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि सत्य वो नहीं है जो आप बोलते हैं, यहां खड़ा होकर के हम कुछ भी बोलते हैं, सत्य वो है जो हम करते हैं। और इनके करने और बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। बोलने के लिए तो ये भी कह दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, बोलने के लिए तो ये भी करें कि जो है महात्मा गांधी को महान साबित कर दें, लेकिन अपनी शाखाओं में लोगों को सिखाते हैं कि महात्मा गांधी बहुत खराब आदमी था और गोडसे की पूजा करते हैं। तो इनकी कथनी और कनी पानी सरकार को पिलाना है, मेहनत का इसका पसीना है, टेंशन मत लीजिए। कौन सा हम लोग जो है मतलब एयर कंडीशन में पैदा हुए हैं कि पसीना नहीं निकलेगा? खेत खलिहान के आदमी है, पसीना निकलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? निकलने दीजिए पसीना। हम लोगों का जो भी है सब सामने है। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण का कोई जरूरत नहीं होता है। तो हम लोग सब सामने है, जो बात है सो है, इसमें छुपाने करने की कोई बात है नहीं। तो कथनी और करनी में इनका जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आप एक चीज महसूस करते होंगे कि आज जो सच है उस सच को छुपाने के लिए एक झूठ का आडंबर रचा जा रहा है, बहुत बड़ा आडंबर रचा जा रहा है झूठ का। सवाल यह है कि यह झूठ का आडंबर क्यों रचा जा रहा है? झूठ का आडंबर इसलिए रचा जा रहा है कि हर चुनाव में जब चुनाव आए तो बात इस पे नहीं हो कि कौन अच्छा है, बात इस पे हो मोदी नहीं तो कौन। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के वक्त भाजपा के लोगों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। किसी भी पान की दुकान पे खड़ा होकर के आप उससे पूछते कि यार सब बात तो ठीक है लेकिन ये बताओ, किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं पैदा हुई, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो क्या तुमको ये बात ठीक लगती है? तो भाजपा के कार्यकर्ता का जवाब होता था कि देखो तुम्हारी सब बात ठीक है लेकिन मोदी नहीं तो कौन, यही कहते, यही जवाब होता था ना। और अभी भी देश में क्या जवाब है? ठीक है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मोदी नहीं तो कौन, यही पूछा जाता है ना। ये अपने आप तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार करने के लिए पैसा खर्च किया गया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है ये मैं बताता हूं। सिनेमा आप लोग देखते होंगे, सपोज कीजिए कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा हो और हमको शौक हो हीरो होने का, तो मेरा बाप क्या करेगा? मेरा बाप किसी डायरेक्टर को पकड़ेगा, ये सुनो एको कहानी लिखवा के लाओ, मेरा बेटा हीरो होगा। हमको तो आप देख ही रहे हैं 5 फुट 5 इंच, तो हीरो जैसा हाइट तो मेरा है नहीं, लेकिन हमको हीरो होना है तो हम हीरो कैसे होंगे? तो हम 4 फुट 5 इंच का आदमी खोज करके लाएंगे, तब उसके सामने हम लंबा दिखेंगे। इस बात को समझ रहे हैं नहीं? कोई भी आप हिंदी सिनेमा का गाना देखिएगा, हीरोइन जैसी हो उससे ज्यादा खोज करके महिला को लाया जाता है। खराब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खराब किसी को नहीं मानता हूं, लेकिन उससे तुलना में देखने में वो अच्छी ना लगे, और थोड़ा उसमें मेकअप पाउडर लिपस्टिक ये सब भी लगाया जाता है, और बेचारी अपना पीछे में ऐसे ऐसे कर रही है, तो सारे दर्शक का नजर किस पे रहता है? हीरो पे नहीं, हीरोइन पे नजर रहता है।
अब पीछे में जो 20-25 को नाच रहा है उसको कोई नहीं देखता है, उसको 200 रुपया दे करके बुला लिया उसको कोई नहीं देख रहा है। अब टीवी पे अगर दिन रात आपको मोदी मोदी चलेगा तो आपके दिमाग में क्या लगेगा, आपको लगेगा कि इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, यही हीरो है, यही है मेरा जूता है जापानी, इसी को प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके साथ यही हो रहा है ना। अब दिन रात टीवी पे होगा मोदी मोदी, भोरे गुड मॉर्निंग फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, शाम को जो है गुड नाइट ससुराल के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, टीवी पे मोदी, पान दुकान पे मोदी, ऑफिस में मोदी, तो आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा मोदी मोदी मोदी। सिनेमा देखते हैं ना आप, ये इस प्रयोग को जाकर के कीजिएगा आज अपने घर में, एक गाना चलाइएगा और देखिएगा कि हीरो के पीछे में 50 को लौंडा नाच रहा है, एकदम बढ़िया कमर हिला रहा है, हो सकता है कि हीरो से ज्यादा अच्छा डांस कर रहा हो, कौन देखता है उसको, क्योंकि हीरो को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। ये जो सामने में कैमरा पे काम कर रहे हैं ये लोग बहुत वैज्ञानिक लोग हैं, इनको बहुत नॉलेज है, आपको बता देंगे कि कैसे जो है पीछे बैठे हुए सब आदमी को ब्लर कर देंगे और मेरा ही मुंह रहेगा। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे यह सवाल किया गया है, क्वेश्चन भी सेट है और आंसर भी सेट है। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ए नरेंद्र मोदी, बी जो भाजपा का सबसे अच्छा नेता हो, सी जिसको आरएसएस बहुत प्यार करता हो, डी जो पूंजीपतियों का दुलारा हो, और ई उपरोक्त सभी। तो आपके पास ऑप्शन ही एक है, और आप हमको बताइए, ये हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जब आप चलेंगे ना तो इतनी भाषाएं हैं जितना आपका उम्र नहीं होगा। कितना उम्र होगा ज्यादा से ज्यादा आपका? 30 साल 35 साल है? हजारों भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, हजारों भाषाएं, हजारों संस्कृति हैं, हजारों कितना पैसा लगेगा? 10 सेकेंड अगर टीवी पे आएंगे तो कितना पैसा लगेगा? विपक्ष कमजोर है ये ऐसा सच नहीं है। 70 साल मान लीजिए कोई पार्टी राज किया हो, अचानक से वो कमजोर कैसे हो गया है? क्योंकि उसको जो मजबूत बनाने वाली शक्तियां थी ना, वो अपना पाला बदल लिया है। मेरी बात समझे? कि जो उसको मजबूत बनाने वाली शक्तियां थी, उसने कहा कि अब हम इस घोड़े पे दांव नहीं लगाएंगे, हमको नया घोड़ा चाहिए। तो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, अब पूरा देश बोला अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। अब कब अन्ना अन्ना होते होते मोदी मोदी होने लगा, देश को पता ही नहीं चला, हो गया मोदी मोदी, आ गए मोदी जी, और वादा क्या करके आए? सबका साथ सबका विकास। अल्ले दनादन जो है लोगों को कभी मांस के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे उनकी हत्याएं होने शुरू हो गई। विकास तो गया तेल लेने के लिए, इकोनॉमी नीचे चली गई है, लगातार कंपनियां बंद हो रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की खबर है कि 25,000 होमगार्ड को नौकरियों से निकाल दिया गया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करने आया हूं कि देश खतरे में है, बचाइए इस देश को। हो सकता है कि आपके पास कोई चुनावी विकल्प नहीं हो, कोई अल्टरनेटिव इलेक्टोरल ऑप्शन नहीं हो, लेकिन ये देश हम सबका है, ये संस्कृति हमारी है, ये परंपरा हमारी है। इस देश में हजारों साल से सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते आए हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, अपने ही शहर को देखिए आप, कि आपके शहर में मस्जिद है, मंदिर है, दरगाह है, गुरुद्वारा है, चर्च है, बुद्ध विहार है। ये हिंदुस्तान है जिसको गुलबर्गा रिप्रेजेंट करता है, इस बात को समझिए, बचाइए इसकी संस्कृति को। लोग हिंदी बोलते हैं,
उर्दू बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके शहर में। बचाइए इस संस्कृति को, बचाइए इस देश को, ये जिम्मेवारी आज आपके कंधे पे है। और इसको जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो तोड़ने वाले लोग बड़ी चालाकी से, जो इसको बचाने वाले लोग हैं उनको ही टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता रहे हैं। एक बार हमको एक पत्रकार ने पूछा कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं क्या? हम बोले हम किसी के टुकड़े पे नहीं पलते हैं, माँ बाप की मेहनत से पैदा हुए हैं, माँ बाप की मेहनत से जो है पाले पोसे गए हैं और देश की जनता के पैसों पे पढ़े हैं, किसी के टुकड़े पे नहीं पलते हैं। जो लोग दूसरे के टुकड़ों पे पलते हैं वही दूसरों को टुकड़े टुकड़े बोलते हैं। हम इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक इसको एकजुट करने की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि कमाएगा सो खाएगा, लूटने वाला जाएगा, और ये जो लूटने वाले लोग हैं उनकी साजिशों को नाकाम करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, संविधान ने हमको अधिकार दिया है और हमारा अधिकार समानता का अधिकार है, न्याय का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, सबको शिक्षा मिलने का अधिकार है। इन सवालों पर हम ये लड़ते हैं। हम जब कहते हैं कि इस देश में अंबानी का बेटा का एक वोट और जूता सिलने वाले की बेटी का एक वोट, तो इस देश में अंबानी के बेटा के लिए अलग स्कूल क्यों और जूता सिलने वाले के लिए अलग स्कूल क्यों, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान मंगल पे जाने की तैयारी कर रहा है, हिंदुस्तान चंद्रमा पे पहुंच गया है, लेकिन आज भी लोग गटर में उतर करके अपना जान क्यों देना दे रहे हैं, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यह देश अगर हमारे शरीर की तरह है तो इसका कोई भी अंग अगर जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है तो वो स्वस्थता की नहीं विकलांगता की निशानी है। कोई भी समाज एकजुट तभी रह सकता है, तभी वो समाज बेहतर हो सकता है, तभी वो समाज शक्तिशाली हो सकता है, जब हम उस शरीर के एक एक अंग को बराबरी के तौर पे लें जैसा शरीर के साथ होता है। ऐसा होता है क्या कि बायां उंगली को काटे तो दर्द नहीं होगा और दायां उंगली को काटे तो दर्द होगा? ऐसा होता है क्या? फिर ऐसा आप अपने जीवन में कैसे कर पा रहे हैं कि आपकी जात का कोई मरता है तो आपको तकलीफ होता है, दूसरी जात का मरता है तो आपको तकलीफ नहीं होता है? मैं कहता हूं कि किसी भी जात और धर्म से पहले आपका जात और धर्म कोई है तो वो मानव है और आपका धर्म मानवता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इस मानवता को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए और अपने बुनियादी हक और अधिकार के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, सड़कों पे आना होगा और बार बार इस सरकार को बताना होगा कि तुमको चुन करके अगर गद्दी दिए हैं तो छीन करके गद्दी ले भी सकते हैं, इस बात को याद रखना। इसी लोकतंत्र के स्पिरिट को याद करते हुए, इसी डेमोक्रेटिक की थॉट्स को याद करते हुए और एक बार फिर से इस महान धरती को बसवन्ना और बंदा नवाज की इस महान धरती को नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर कॉम्रेड कन्हैया कुमार अवरिगे ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 5-6 ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನ ಗೆಳೆಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಿಲಿಂದ ಸುಳ್ಳದವರು, ಮಿಲಿಂದ ಸುಳ್ಳದವರು, ಬಾಬು ಬಿಳಗಿ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ನಿರ್ಮಲ ಔರಾದಿ ಅವರು, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು, ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು, ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕೇತಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್
ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಪುರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಜಾದಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಜಾದಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಜಾದಿ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಾಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಮಾರಿ ಇಚ್ಛಾ ಯೇ ಥಿ ಕಿ ಅಗರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋತಾ ಔರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಹೋತಾ ತೋ ಹಮ್ ಐಸಾ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಸಿರ್ಫ್ ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರೇ, ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಭಿ ಸುನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಐಸಾ ನಹಿ ಥಾ ಕಿ ಹಮ್ ಸಿರ್ಫ್ ಭಾಷಣ ದೇ ಕರ್ಕೆ ಚಲೆ ಜಾನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ, ಹಮ್ ಆಪ್ಕಾ ಸವಾಲ್ ಭಿ ಲೇನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ, ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ ತರಹಕ್ಕೆ ಕ್ರೌಡ್ ಮೇ ಔರ್ ಇತನಿ ಭೀಡ್ ಮೇ ಔರ್ ಇಸ್ ತರಹಕ್ಕೆ ಖುಲೆ ಮೈದಾನ ಮೇ ಇಸ್ ತರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಸವಾಲ್ ಜವಾಬ್ ಸಂಭವ ನಹಿ ಹೋ ಪಾಯೇಗಾ. ಫಿರ್ ಭಿ ಕುಛ್ ಸವಾಲ್ ಲಿಖ ಕರ್ಕೆ ಭೇಜೆ ಗಯೆ ಹೈ, ಮೈ ಉಸ್ಕೋ ಪಢ್ ದೇತಾ ಹೂಂ. ಔರ್ ಮುಝೆ ಯೇ ಉಮ್ಮೀದ್ ಹೈ ಕಿ ಅಪ್ನೆ ಭಾಷಣ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಮೈನೆ ಇನ್ ಸವಾಲೋ ಕಾ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಏಕ್ ಪ್ರಶ್ನ ತೀನ್ ಪ್ರಶ್ನ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಪೂಛಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಲೀಡರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ದೂಸರಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೂಛಾ ಗಯಾ ಹೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ 370. ಔರ್ ತೀಸರಾ ಪೂಛಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯೇ ತೀನ್ ಸವಾಲ್ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಪೂಛೆ ಗಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಕುಛ್ ಸವಾಲ್ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಪೂಛೆ ಗಯೆ ಹೈ. ಜೋ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೈ ರಾಮ ನಾಮ ಕಾ ಜಪ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ದೇಶ ಮೇ, ವಿದೇಶ ಮೇ ಬುದ್ಧ ಕಾ ನಾಮ ಕಾ ಜಪ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಯಹ ದೋಗಲಾಪನ್ ಹೈ, ಯಹ ಸವಾಲ್ ಪೂಛಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಸಂವಿಧಾನ ಮೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ವಾಕ್ ಟಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಹೈ, ಜಬ್ ಸೆ ಯಹ ಸರ್ಕಾರ ಆಯಿ ಹೈ ತಬ್ ಸೆ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಛೀನ್ ಲಿ ಗಯಿ ಹೈ ಐಸಾ ಲಗ್ ರಹಾ ಹೈ. ತೀಸರಾ ಸವಾಲ್ ಹೈ ಕಿ ಮೋದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಕಹತಿ ಹೈ, ಆಜ್ ಹಮೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೇ 144 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲಗಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ, ಯಹ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಚೌಥಾ ಸವಾಲ್ ಹೈ ಕಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಮೇ ಜಬ್ ಸೆ ಆಯಾ ಹೈ ತಬ್ ಸೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸ್ ಲಗಾಯ ಬೈಠೆ ಹೈ ಕಿ ಕಬ್ ಜಾಬ್ ಮಿಲೇಗಾ, ತೋ ಮೋದಿ ಜಿ ಕಹತೆ ಹೈ ಪಕೋರೆ ತಲೋ. ಪಾಂಚವಾ ಸವಾಲ್ ಹೈ ಕಿ ಯಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ RSS ಚಲಾ ರಹಿ ಹೈ ಯಾ ಮೋದಿ, ಕಲ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಸೆ ಹಮ್ ಹಮಾರೇ ಸಾಮನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇನ್ ಸವಾಲೋ ಸೆ ಜೂಝ ರಹಾ ಹೈ. ಯೇ ಕುಛ್ ಪ್ರಶ್ನ ಹಮಸೆ ಪೂಛೆ ಗಯೆ ಹೈ. ಮುಝೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಯೇ ಸವಾಲ್ ಸುನೆ ಔರ್ ಇಸ್ ಸವಾಲ್ ಕೆ ಜೋ ಸಂಭವ ಜವಾಬ್ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನೆ ದಿಯಾ ಹೈ. ಯೇ ಸಾರಿ ಬಾತೆ ಜೋ ಇನ್ ಸವಾಲೋ ಮೇ ಪೂಛಾ ಗಯಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ ಮೈ ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಕಹನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆ ಬಾಹರ್ ಕಭಿ ಆಪ್ನೆ ಜಾದೂ ಕಾ ಖೇಲ್ ದೇಖಾ ಹೈ? ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಜಾದೂಗರ್? ಜಾದೂಗರ್ ಹಾಥ್ ಕಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಜಾದೂಗರ್ ಹಾಥ್ ಕಿ ಸಫಾಯಿ ಕೈಸೆ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಅಗರ್ ಜಾದೂಗರ್ ಆಲೂ ಸೆ ನೋಟ್ ಬನಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಜಾದೂ ಖತಮ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ವೋ ಆಪ್ಸೆ ಪೈಸಾ ಕ್ಯೂ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೈ? ದೋ ಚಾರ್ ಕಿಲೋ ಆಲೂ ಖರೀದ ಲೇ ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ನೋಟ್ ಬನಾ ಲೇ. ಜಾದೂ ಖತಮ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಆಪ್ಸೆ ಉಸ್ಕೋ ಪೈಸಾ ಮಾಂಗ್ನೆ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಜರೂರತ್ ಹೈ? ವೋ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಲೂ ಸೆ ಪೈಸಾ ನಹಿ ಬನಾಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಯೇ ಹಾಥ್ ಕಿ ಸಫಾಯಿ ಹೈ. ಉಸಿ ತರಹ ಸೆ ಯಹ ಜೋ ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಯಹ ಜುಬಾನ್ ಕಿ ಸಫಾಯಿ ಸೆ ಆಪ್ಕಾ ವೋಟ್ ಆಪ್ಸೆ ಲೇನಾ ಚಾಹತಿ ಹೈ. ಅಸಲ್ ಬಾತ್ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಉಸ್ಕೋ ಕರ್ನಾ ಕುಛ್ ಭಿ ನಹಿ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ನೆ ಕುಛ್ ಭಿ ನಹಿ ಕಿಯಾ ಹೈ. ವೋ ನಾ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಗೂ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಹೈ ಔರ್ ನಾ ಹಿ ವೋ ಜೋ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರೇ ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿದೇಶ ಘೂಮ ರಹಿ ಹೈ ಐಸಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭಿ ನಹಿ ಹೈ. ಔರ್ ಜೋ ಲೋಗ್ ಯೇ ಬಾತ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ಜೋ ಲೋಗ್ ಭಿ ಯೇ ಸವಾಲ್ ಕೋ ಉಠಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಸೆ ಧೋಖಾಧರಿ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬತಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ.
उसको एंटी आर्मी बताया जाता है, उसको एंटी हिंदू बताया जाता है और उसको कांग्रेस पार्टी का दलाल बताया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस बात में जो सच्चाई है, उस इंसान की जो लड़ाई है, उसको बदनाम किया जा सके। हम सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि टीवी देख करके आपको अंदाजा होगा कि आपके जीवन में अच्छा दिन आया है कि नहीं आया है, कि आप अपना जीवन आपसे ज्यादा कौन जानता है। जाके पैर न फटे बिवाई, होगा जाने पीड़ पड़ाई, तो आपका दर्द आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता है ना। तो किसी और पे भरोसा करने से पहले खुद से सवाल कीजिए कि आपने जिन अपेक्षाओं के साथ इस सरकार को वोट किया था, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं? अगर उन अपेक्षाओं से आपको कोई लेना देना नहीं है और आपका जो ये जवाब होता है कि कुछ हो ना हो मुसलमान को ठीक कर दिया है, अगर आप इस बात से ही खुश हैं तो खुश हो लीजिए। आपको अगर हमसे गुस्सा होकर के खुशी मिल रही है तो आप हो लीजिए, लेकिन इससे आपका सवाल हल नहीं होगा। किसी और का घर जला देने से आपका घर नहीं बनेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। किसी और से नफरत करके आपके जीवन में प्यार नहीं आने वाला है। हमसे गुस्सा करके आपको ब्लड प्रेशर होगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना शुरू कीजिए, और सत्ता और सरकार से जब सवाल पूछिएगा तब आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आप पर गोली भी चलाई जा सकती है, झूठे मुकदमों में आपको फंसाया भी जा सकता है और आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बदनाम भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या व्हाट्सएप जो है वो कोर्ट नहीं है। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय न्यायालय करेगी। एक बात बस अपने दिमाग में डालिएगा कि अगर हम गलत होते तो देश के बड़े बड़े नेता जेल में हैं, ये हमको छोड़ दिए होते। सच में ताकत होती है, और वैसे भी हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो सो चलो हमारे साथ। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। नारा भी लगाना है। सुनना है, साथ देना है। सुन के खुद तय कर लीजिए कि सरकार को हमारे नारे से क्यों दिक्कत होती है। तो हम क्या चाहते हैं? हक हमारी है, जान से प्यारी है, प्यारी प्यारी हर गरीबी से आतंकवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, है हक हमारी है, जान से प्यारी है, प्यारी प्यारी जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे हम लड़के लेंगे। तुम कुछ भी कर लो हम लेके रहेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तुम पुलिस बुलाओ, तुम डंडे मारो, तुम गोली चलाओ, तुम जेल में डालो, हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, अंबेडकर वाली तो बिरसा वाली तो फूले वाली फातिमा वाली तो भगत सिंह की आजाद वाली स्लोगन हम लोग लगाते हैं, वो भी आप लोग लगाया कीजिएगा। अरे जा 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 भी।
ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಾರಿ, ವಿಲಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇ ಅದಾನೆ ಬಾಬು ಏನು ಎಲ್ಲ